दोस्तों एमएस वर्ड में कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि कुछ पेजेस का ओरिएंटेशन वहां पर हमें पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए होता है और कुछ पेजेस का ओरिएंटेशन वहां पर हमें लैंडस्केप फॉर्म में चाहिए होता है। तो दोस्तों ऐसा कैसे होगा, इसे हम आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर एमएस वर्ड की विंडो ओपन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 पेजेस है। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्क्रॉल करके तीनों पेजेस को देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज था, ये सेकंड पेज है और यहाँ पर यह थर्ड पेज है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों पेजेस को एक साथ देखने के लिए यहाँ पर हम इसके व्यू को छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर तीनों पेजेस का जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ पर पोर्ट्रेट है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पर बीच वाला जो पेज है इसका ओरिएंटेशन यहाँ पर लैंडस्केप हो जाए और बाकी जो फर्स्ट और थर्ड पेज है इनका ओरिएंटेशन हमारे यहाँ पर पोर्ट्रेट ही बना रहे। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर फर्स्ट पेज के लास्ट में यहाँ पर कर्सर को ले आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लेआउट पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ब्रेक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड पेज पर फिर कर्सर को ले आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ओरिएंटेशन पर जाएंगे और हम इसके ओरिएंटेशन को यहाँ पर लैंडस्केप कर देंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेज और हमारा थर्ड पेज इन दोनों का जो ओरिएंटेशन है यहाँ पर पोर्ट्रेट है, लेकिन बीच वाला जो हमारा पेज है तो यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन यहाँ पर चेंज होकर पोर्ट्रेट से यहाँ पर लैंडस्केप हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम एमएस वर्ड में एक ही फाइल में अलग अलग पेजेस का अलग अलग ओरिएंटेशन कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे आने वाले ऐसे सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।